हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। एग्ज़ाम्स केवल वो नहीं होते जो आपको नौकरी देते हैं, एग्ज़ाम्स वो भी होते हैं जो आपके लिए कोई चैलेंज लेकर के आते हैं। लाइफ में कई बार आप ऐसे एग्ज़ाम्स फेस करेंगे, लाइफ में कई चैलेंजेस आप फेस करेंगे, और इन एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बड़े बड़े फार्मूले नहीं लगते। इनको सॉल्व करने के लिए लाइफ की कुछ स्किल्स लगती हैं, कुछ ऐसे वर्च्यूज़ लगते हैं जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलेंगे, वो आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस और दूसरों की जो शिक्षाएँ मिलती हैं उनसे आपको सीखने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ लाइफ लेसन्स लेकर के मैं आया हूँ इस सीरीज़ के साथ, जिसमें बहुत ही छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से, कई बार स्टोरी बेतुकी भी लगेगी, कई बार स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी, कई बार बहुत मज़ा आएगा, कई बार बड़ा दुख होगा, लेकिन कुछ भी हो उससे जो सीख निकल के आएगी वो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। तो ये सीरीज़ है जिसमें हम लाइफ लेसन समझेंगे कुछ छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ, और उसी सीरीज़ में पहली जो स्टोरी मैं आपको लेकर के आया हूँ उसका नाम है नसरुद्दीन और उसकी खोई हुई चाबियाँ। तो एक बार नसरुद्दीन नाम का व्यक्ति था जो कि अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रहा था। बाहर उसको कुछ ढूंढता हुआ देख उसका पड़ोसी असलम उसके पास आ गया। उसने बोला, नसरुद्दीन चाचा क्या ढूंढ रहे हो? तो नसरुद्दीन ने कहा कि भैया मेरी चाबियां खो गई हैं, वही खोज रहा हूँ। असलम ने पड़ोसी होने के नाते अपना फर्ज निभाया और कहा कि चलो मैं भी आपके साथ चाबियां ढूंढवाता हूँ। नसरुद्दीन ने कहा, बड़ी मेहरबानी, चलो ढूंढवाओ। इन दोनों को चाबी ढूंढता हुआ देख बाकी के पड़ोस के लोग भी आ गए, दो चार लोग और आए। सबने यही सवाल पूछा कि भैया क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? इन दोनों ने यही कहा कि चाबियां ढूंढ रहे हैं। सब ढूंढवाने लगे। तीन चार घंटे तक चाबियां ढूंढवाने के बाद लोग जब थक हार के बैठ गए तो उन्होंने कहा कि चाबियां तो यहां नहीं मिल रही है, क्या तुमको पक्का यकीन है कि तुमने चाबियां यहीं खोई हैं? नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, चाबियां तो मैंने अंदर खोई हैं, मैं ढूंढ बाहर रहा हूं। बाकी लोगों को बहुत गुस्सा आया, बोला एक बात बताओ नसरुद्दीन चाचा, जब चाबियां खोई अंदर हैं तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? नसरुद्दीन का कहना था कि अंदर भैया बहुत अंधेरा है, बाहर उजाला था, इसलिए जहां उजाला था वहीं ढूंढने लगा, अंधेरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो इसमें बाकी लोगों ने अपने सर पे हाथ मारा, डेफिनेटली जैसा आप लोग मार रहे होंगे, और सब अपने अपने घर चले गए उसको उसी समय ऐसा छोड़कर। अब आप एक सिंपल सी बात समझिए, बहुत ही छोटी स्टोरी थी, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, कई लोगों ने अपने सर भी पटक लिए होंगे कि क्यों ऐसी स्टोरी हमने सुनी नसरुद्दीन की, लेकिन क्या हम और आप सब कहीं ना कहीं यही चीज़ नहीं दोहरा रहे हैं डेली की लाइफ में? बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके जवाब हमारे अंदर हैं, जिनके जवाब हमको रिफ्लेक्शन करके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके ढूंढने चाहिए थे, लेकिन हम वो सारे जवाब बाहर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ना तो हमको इंट्रोस्पेक्शन या रिफ्लेक्शन करने आता है और ना ही हम कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली हम डीमोटिवेटेड हो चुके हैं। तो अंदर आपको अंदर के अंधेरे से डरना नहीं है, अंदर आपको एक लाइट बनना है, और वो लाइट आप खुद कैसे बन सकते हो? इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से। आप इंटरनली रिफ्लेक्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए, देखिए कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, देखिए कि कहाँ आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन वाकई में बाहर है, या जैसे हम दूसरों के पास जाकर के मदद ले रहे हैं क्या वाकई उसमें सोल्यूशन है? कई बार सोल्यूशन हमारे पास होता है, इंटरनल होता है, लेकिन हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर रहा इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे को ब्लेम करना बंद करना होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू करना होगा। लाइफ का ये पहला वर्च्यू जो है इसको लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन नाम का एक वर्च्यू होता है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको हर समय करते रहना चाहिए। जब आप अच्छा कर रहे हो तब भी आपको रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि ठीक है मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कैसे ये बरकरार रख सकता हूँ, कैसे मैं अच्छा करता रह सकता हूँ। और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो भी आपको रिफ्लेक्शन करते रहना चाहिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्यों गलत कर रहा हूँ और मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। इसी लेसन के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।